So good evening to all of you. Good evening, Namrata. Good evening, Shreyas. Good evening, Partha. Good evening, Piyush. Good evening, Shweta. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, बट ये जो चैप्टर है मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता है कि आराम से हो पाएगा, इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग, ओनली कि आप आराम से इसे डील कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हर चीज का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे पहले दूंगा, पहले थोड़ा सा आप रिकल कर लो सारे चीजों को, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और कोशिश करेंगे कितना जल्दी और टेक्निकली वो क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि टाइम एंड डिस्टेंस में आपको जानना काफी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या होता है कि वो होता है यूनिट्स। ठीक है, यहां पे इंटेंशनली इस सारे क्वेश्चन में यूनिट्स में काफी डिफर होता है, मैं बताता हूं क्या डिफर होता है, फिर आपको पता चलेगा। अब इसमें दो तीन चीजें ही हैं जो आपके ज्यादा हर क्वेश्चन में आएगा, क्या होगा, एक होगा स्पीड, दूसरा होगा टाइम, तीसरा होगा डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये हो रहा है अच्छा से या नहीं। ठीक, तीन चीजें मैं यहां पे पहले लिखा था जो कि मैं मिटा दिया हूं, अब मैं लिखता हूं। एक है आपका स्पीड, दूसरा है आपका टाइम, तीसरा है आपका डिस्टेंस। ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब स्पीड जो है वो इंटेंशनली अगर देता है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम देता है इन सेकंड्स, क्योंकि भाई स्पीड जितना ज्यादा होगा आप उतना कम टाइम पे कवर कर सकते हैं सारे चीजों को। ठीक है, तो स्पीड जब भी आपका, थोड़ा सा आगे कर दूं सो दैट आपको क्लियरली ये बोर्ड विजिबल हो जाए। ठीक है, ओके, तो स्पीड जब आपका किलोमीटर पर आवर पे होगा तो डेफिनेट है कि क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो सेकेंड्स में होगा। ठीक है, तो यहां पे इसे आइदर किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड कर सकते हो, या फिर सेकेंड को आवर पे टर्न कर सकते हो, बट देखो सेकेंड को आवर में टर्न करना थोड़ा लेट लतीफ काम है, तो बेटर क्या होगा कि किलोमीटर पर आवर को, सॉरी सेकेंड को आप रहने ही दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड पे ले आओ। ठीक है, मैं करता हूं, सिंपल फॉर्मूला है, सबको पता है कि स्पीड जब भी होगा किलोमीटर पर आवर में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 5/18 टू मेक इट मीटर पर सेकेंड। कि नहीं, जब भी किलोमीटर पर आवर पे होता है तो 5/18 मल्टीप्लाई करने से
वो मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है। और अगर ये मीटर पर सेकेंड पे होगा तो इसका रिवर्स 18/5 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये सबसे छोटा इजी पहला चीज है, ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा लगभग। नेक्स्ट नंबर टू, नंबर टू क्या इंपॉर्टेंट है? देखो यहां पे होता क्या है कि somebody मूव फ्रॉम ए टू बी, अगेन कम बैक फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहां पे, एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे, अगर कोई पर्सन ए से बी जाता है फिर बी से ए वापस आता है, दोनों साइड के डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो वो पुराना फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकालने का वो जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। याद रखो व्हेन बोथ साइड डिस्टेंस इज इक्वल, उस समय पे आप क्या कर सकते हो, मैं लिखता हूं एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसको ऐसा नॉर्मली हम मैं क्या सोचता हूं, 2ab बाय a प्लस b, ठीक है। यहां पे a और b क्या है, दो स्पीड है, एक जाने का एक वापस आने का। जैसे somebody move from Rourkela to Sambalpur at the rate 60 and then back from Sambalpur to Rourkela at the rate 80, तो average speed निकालें तो क्या होगा, 2 into 60 into 80 divided by 60 plus 80। आया समझ में सबको, ठीक है, okay। अब next पारा क्या है, next क्या है, सबको पता है कि speed is inversely proportional to time, जितना ज्यादा स्पीड में आप जाओगे उतना कम टाइम आपको लगेगा। तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है रिवर्स में, कैसे मैं आपको बताता हूं। जिस रेशियो से आपका स्पीड टर्न होगा उसके रिवर्स रेशियो में आपका टाइम टर्न हो जाएगा। एग्जांपल मैं बताता हूं फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस सपोज कोई 1/3 स्पीड में जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेट है कि उसको 3 times ज्यादा समय लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां पे जो कि हाफ स्पीड में जाएगा तो डबल टाइम लगेगा, डबल स्पीड में जाएगा तो हाफ टाइम लगेगा, बट वो देगा नहीं। वो कैसे देगा कि 3/4 स्पीड में जा रहा है, 3/7 स्पीड में जा रहा है, इस तरह देगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, ठीक है। मैं लिखता हूं, मान लीजिए कि Somebody is move at the rate 3/4 of the usual speed, जिस स्पीड में वो जाना चाहता था उससे 3/4 स्पीड में वो जा रहा है, ठीक है। मैं बताता हूं 3/4 of usual speed, तो अब समय क्या हो जाएगा, टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, 3/4 का रिवर्स कितना, 4/3, ठीक है। तो टाइम जो भी पहले लेता था उसका 4/3 हो जाएगा, तो यहां पे एक्स्ट्रा टाइम क्या लगेगा, अगर पहले 1 लगता था अब 4/3, तो यहां से टेक्निक शुरू होगा। अब देखो एक्स्ट्रा टाइम क्या लगेगा, 4/3 - 1 यानी 1/3। ये जो 1/3 है इसे आप ध्यान दो और इसे समझने की कोशिश करो, ये जो 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा इसके वजह से उससे ज्यादा समय लगा होगा। जैसे कि मैं सवाल देता हूं, आप लोग मुझे ऐसे ही मेंटली आंसर बताओ, ठीक है, मैं सवाल लिख दूं या ऐसे ही बोल देता हूं, अगर नहीं आएगा समझ में तो लिख दूंगा। Somebody move at the rate 5/7 of the usual speed and finally he take 12 minutes extra to cover the journey. Find his usual time. क्या होगा भाई बताओ, अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो मैं यहां पे लिखता हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है, ओके। द पर्सन मूव एट 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड,
जो भी उसका स्पीड है उसके 5/7 पे वो जा रहा है, तो अब इसके वजह से उसे 12 मिनट 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। अगर उसे 12 मिनट ज्यादा लग रहा है तो यूजुअल टाइम कितना है? 30 मिनट्स। ओके, देखते हैं अब एक्स्ट्रा टाइम क्या लगेगा। टाइम क्या लगेगा? 7/5 ऑफ यूजुअल टाइम। तो एक्स्ट्रा टाइम क्या लगा? 7/5 -1 2/5 एक्स्ट्रा, दैट 2/5 इक्वल्स टू 12 मिनट। तो रियल टाइम क्या होगा? 12 × 5/2 और 30 मिनट्स जो आप लोग निकाले थे। वेरी गुड, आया समझ में? अब इसको कैसे क्वेश्चन में टर्न करना है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन जब दूंगा आपको पता चलेगा कि इसको टेक्निकली कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा एक टेक्निक है जहां पे दो अलग अलग स्पीड होंगे या दो पर्सन जा रहे होंगे, ये खास करके दो कार या चोर और पुलिस या दो ट्रेन, इस तरह के कंडीशंस में आप एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो जल्दी से जल्दी आंसर निकालने का। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं या क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, आप ट्राई करो, अगर नहीं बन पाता है मैं पहले से हिंट्स दे रहा हूं, दो तीन टेक्निक से हो पाएगा, आपको जल्दी निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आप लोग लिखो, मैं बता रहा हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो। किसको भेजेंगे? आप ही में से किसी को भेजते हैं। मान लीजिए प्रथम, ठीक है, नाम अच्छा है, प्रथम होता है वो, तो लिखो प्रथम ट्रैवल द फास्ट पार्ट ऑफ ही जर्नी एट द रेट 40 किलोमीटर पर आवर। 40 की रफ्तार में प्रथम पहला पार्ट को जा रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट एट द रेट 60 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे एक फोटो बनाऊँ क्या, आपको कंफर्टेबल होगा? मान लीजिए यहां से यहां तक प्रथम जा रहा है, ठीक है, ये है उसका फास्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, इसको जा रहा है 40 की रफ्तार में, इसको जा रहा है 60 की रफ्तार में, ठीक है। ओके, टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इज 240 किलोमीटर। टोटल कितना? टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर। और टाइम भी दे देता हूं मैं, टोटल टाइम कितना लेंगे भाई? 5 घंटा मान लो, हाँ 5 घंटा। 5 आवर्स में प्रथम कैन कवर 240 किलोमीटर। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द फास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी लास्टेड। पहला पार्ट को कितना समय में कवर कर रहा है, ये क्वेश्चन है, आप बनाओ। मैं बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। वेरी गुड गीता, और कोई? और थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई, ये टेक्निक से आप लोग किए, फटाफट 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 बताओ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देने के लिए कोशिश करो। ओके, दिशा 3 आवर्स, अविनाश 3 आवर्स। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? हाँ फटाफट। अब देखो, मैं एक बेकार सा तरीका अडॉप्ट करता हूं इंटेंशनली, जो आपको बहुत ही खराब लगे, फिर बताऊंगा कि टेक्निकली कैसे हो पाएगा। ठीक है, दो तरीका यहां पे ऐड। पुराना पुराना मेथड जो है, मान लीजिए कि पहला एक्स घंटा चला, दूसरा पार्ट 5 - 1, जो कि अपना पूरा पुराना टेक्निक है, ये एक्स आवर अगर जाएगा तो ये 5 - 1 आवर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये 40 की रफ्तार में था, तो 40x+ ये 60 × 5 - 1 = 240। ऐसा एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, और
और फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट बेकार तरीका है, मैं थोड़ा सा बेहतर तरीका बताता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छा से दिखाई दे इसीलिए। अब 5 घंटे में 240 कि नहीं, 5 घंटे में 240, तो भाई एवरेज ऐसे ही कितना आ रहा है, 5 घंटे में 240 यानी 200 और 8 48, एवरेज है कितना 48 नॉर्मल एवरेज। अब स्पीड यहां पे कितना कितना दिया हुआ है, 40 और 60, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक स्पीड है आपका 40, एक है 60, ओवरऑल 48, ये खत्म। देखो 48 माइनस 48 60 माइनस 48 12, छोटा कर देंगे 4 3 4 2, ये पार्ट 3 आवर में कवर कर रहा है, ये पार्ट 2 आवर में कवर कर रहा है, खत्म कहानी। आया समझ में या नहीं? एलिगेशन अगर आप डालोगे, देखो एलिगेशन में होता क्या है कि दीज आर द टू इवेंट्स एंड दिस इज योर रिजल्ट। अब रिजल्ट कितना है, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है 240 डिवाइडेड बाय 5 यानी 48। अच्छा इवेंट क्या क्या था, एक इवेंट था 40 के रफ्तार में जा रहा था, दूसरा इवेंट 60 के रफ्तार में जा रहा था, तो एलिगेशन डाल दो टाइम का रेशियो आ गया 5 घंटा यानी 3 घंटा 2 घंटा, ये 3 घंटे में, ये 2 घंटे में कवर किया है। आया समझ में सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। देखो हर कोई आंसर कर पाता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन कभी एनटीएससी में नहीं आता कि नहीं कर पाएगा कोई, बट एक्यूरेसी के साथ स्पीड में करने से ही आपको मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, यहां पे 2 कैरेक्टर लेते हैं, कोई भी 2 स्टूडेंट का नाम मैं लेता हूं। क्या हुआ भाई सिद्धांत, आपको दिक्कत हुआ क्या? एक था 40 का स्पीड, एक था 60 का स्पीड, आपके टोटल एवरेज बना 48, क्रॉस में आप डिफरेंस लो, रेशियो निकाल दो, खत्म, ठीक है। एक क्लास हम लोग लेंगे, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे कि आप लोगों को एलिगेशन का क्लास चाहिए तो फिर मैं एलिगेशन का एक क्लास भी रख सकता हूं, ठीक है, नियर फ्यूचर में, व्हाटएवर। नीलेश को भेजते हैं और पुलिन को भेजते हैं, लिखो नीलेश एंड पुलिन एक्स और वाई पॉइंट से निकल रहे, ठीक है। नीलेश स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड पुलिन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट वाई टुवर्ड्स ईच अदर। मैं थोड़ा लिख दूं क्या, आपको कंफर्टेबल होगा, ठीक है। एक भेजते हैं नीलेश को, दूसरा पुलिन को, ये भाई x पॉइंट पे खड़ा है y के तरफ जा रहा है, ये y पॉइंट पे खड़ा है x के तरफ जा रहा है, क्लियर क्वेश्चन पूरा, क्लियर। ओके आफ्टर मीटिंग ईच अदर नीलेश टेक 4 आवर्स एंड पुलिंग टेक 9 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। इफ नीलेश स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पुलिंग। अब मैं फिर से समझाता हूं जिनको समझ में नहीं आया, ये दोनों भाग रहे ऐसे ऐसे करके, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉस होने के बाद नीलेश को लग रहा है 4 घंटा, यहां से यहां तक जाने के लिए 4 घंटा और यहां से यहां तक आने के लिए 9 घंटा लग रहा है पुलिंग को। अब सवाल यह कि नीलेश का स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो भाई पुलिंग का स्पीड कितना है बताओ फटाफट। कौन जल्दी दे पाएगा सबसे पहले आंसर, और सही होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अच्छा और कोई भाई,
64/3। अच्छा और कोई? अरे वही तो हुआ। सिद्धांत 21.4। कहाँ चूक रहे हो आप लोग? श्रेयस का भी गलत है, दिशा का भी गलत है। मैं बताऊं क्या? पहले मैं कोशिश करता हूं ट्रेडिशनली समझाने की, फिर कोशिश करूंगा टेक्निकली बताने की, ठीक है? दोनों में ज्यादा गैप नहीं है, बट टाइमिंग में बहुत ज्यादा गैप, ठीक है? कैसे आप करोगे? नहीं हो पाया आंसर, साले सही नहीं हो पाया मेरे हिसाब से, ठीक है? अब देखते हैं। अब नीलेश का स्पीड 48 है, मुझे ऑलरेडी पता है ये, नीलेश का स्पीड कितना है? 48। अब यहां से यहां तक जाने के लिए 4 घंटा लगता है, ठीक है? 48 × 4 कितना हो गया? 160, और ये 32, 192 किलोमीटर, ये है आपका 192, ठीक है? और ये जो पुलिंग का स्पीड है, अब मुझे पता नहीं है क्या स्पीड है, पी ले लेता हूं स्पीड, कितना घंटा लग रहा है? 9 घंटा। तो डिस्टेंस कितना होगा? 9 पी। यहां से इतना डिस्टेंस है 9P और यहां से इतना डिस्टेंस है 192। बट जब दोनों एक टाइम से निकल रहे हैं और यहां पे टकरा रहे हैं, दोनों का टाइमिंग इक्वल होगा। ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, दोनों भेंट हो रहे हैं। मान लो 6 बजे निकले, 6:30 बजे भेंट हुआ, यानी ये भी आधा घंटा भागा है, वो भी आधा घंटा भागा है, ठीक है? टाइमिंग फिक्स है यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो गैप है 9P/48, यानी दिस द टाइम टेकन बाय नीलेश टू कवर दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 192/ क्या है 48 का, यहां पे था पी, स्पीड तो पी था, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 9P² = this × this, फाइंड पी। मैं यहां पे लिखूं 9P² इक्वल्स टू 48 × 192, P² = (÷9) करेंगे, 9 2 18, 9 2 नहीं हो रहा है क्या, 9 में करते हैं, 3 में 3, 3 में 16, और 3 में करेंगे तो 3 6 3 4, ठीक है? 16 × 64 P² तो P क्या हो जाएगा, दोनों का रूट ले लेते हैं, 4 × 8 32। पे आंसर आना चाहिए था 32, आप लोगों का अलग अलग आंसर आ गया भाई। अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछे, फिर मैं बताता हूं, बट आंसर 32 होगा ये श्योर है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है? देखो अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो ये वीडियो स्ट्रीमिंग में रहेगा, आप दोबारा भी इसे देख सकते हो, ठीक है? हम लोग आगे निकलते हैं, टेक्निकली इसे कैसे करें, ठीक है? फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा ठीक है, देखो ये यहां से निकल रहा है, यहां पहुंच रहा है कौन? नीलेश। पुलिन यहां से निकल रहा है, यहां पहुंच रहा है, ठीक है? अब दोनों आफ्टर द मीट ईच अदर, पुलिन को यहां से यहां 9 घंटा लग रहा है और नीलेश को यहां से यहां 4 घंटा लग रहा है। अच्छा मुझे नीलेश का स्पीड पता है 48 और लग रहा है 4 घंटा, यानी 192, ठीक है? ठीक है, चेक करते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। और यहां से ये पी स्पीड में भाग रहा है पुलिन, 9 घंटा लग रहा है 9P। अब फिर से मैं स्टार्टिंग पे आता हूं, यहां से यहां तक 9P डिस्टेंस 48 में कवर कर रहा है, यहां से यहां तक 192 डिस्टेंस P स्पीड में कवर कर रहा है,
दोनों का टाइम फिक्स है, तो 9 पी स्क्वायर इक्वल्स टू 48 इनटू 92, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 48 इनटू 92 डिवाइडेड बाय 9, 3 में कट किया 16, 3 में कट किया 64, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इनटू 64, पी इक्वल्स टू 16 का रूट 4, 64 का 8, 4 इनटू 8 32, क्या दिक्कत है आपको कैलकुलेशन में, सही तो है। अच्छा ओके, अब मैं बताता हूं टेक्निकली कैसे करोगे आप। जो उनका टाइम का स्पीड होगा, अब 9 और 4 सिंपल दोनों का रूट ओवर कर दो, मैं लिख देता हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको लग रहा था 9, इसको लग रहा था 4, इसका सिंपल रूट ओवर कर रहा है, हमेशा हमेशा क्या करना है रूट ओवर, क्या हो जाएगा 3:2। अब 3 इसका स्पीड कितना है 48 दिया है, तो 3 पार्ट को 48, 2 पार्ट को कितना, ये आपका आंसर खत्म। 3 पार्ट को 48, 2 पार्ट को 32, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक है, फटाफट बनेगा, ठीक है। हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, जैसे आप लोग लिख रहे हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर स्पीड ऐसे दिया होगा कि उसको ऐसे करके टर्न करके कट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं देगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, आप ये मान के चलो, ठीक है, नहीं बनेगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ट्रेन के ऊपर आता हूं, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ट्रेन के ऊपर आता हूँ, एक दो क्वेश्चन और भी कर सकते हैं बॉस वॉस वाला, फिर ट्रेन पे आते हैं, बट ट्रेन पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, अब बाद में टाइम पे लगाता हूँ, फिर बस में चलेंगे, ठीक है। मैं ये जो टाइमिंग वाला है इसका 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको बार बार करेंगे तो सारा कंसेप्ट में बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप में आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन भेजूंगा, आपको आंसर करके बताना है, ठीक है, ओके। नॉन परफेक्ट नहीं होगा भाई, अगर हुआ तो फिर अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, व्हाटएवर। दो ट्रेन जब भी भागेंगे तो यहां पे कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव स्पीड हर हालत में ढूंढना है, याद रखो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फास्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड, देन यू गो फॉर एनी कैलकुलेशन, क्लियर, ओके। तो स्पीड में थोड़ा सा मिटा दूं, स्पीड में यहां पे क्या होगा कि ट्रेन के डायरेक्शन को लेके रिलेटिव स्पीड आप फाइंड आउट करोगे, नॉर्मल चीज है कि नहीं, तो अगर डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन होने से क्या होगा, स्पीड अगर दोनों का तो माइनस हो जाता है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये नॉर्मल फंडा है, ठीक है, सबको पता होगा ये। अब यहां पे और एक कंफ्यूजन क्या करता है, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन ऐसा करके भी होता है, मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूं फिर क्लियर होगा ज्यादा। हाँ, दूसरा एक चीज यहां पे आपको याद रखना है, कोई भी ट्रेन, मैं रिकॉल कर रहा हूं, मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, कोई भी ट्रेन अगर कोई पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट या ट्री या ह्यूमन बीइंग या कोई पॉइंट को जब क्रॉस करता है तो अपने लेंथ को क्रॉस करता है, और अगर कोई दूसरा ट्रेन, ब्रीज या फिर प्लेटफॉर्म ऐसा किसी को क्रॉस करता है तो अपना लेंथ प्लस उसका लेंथ को क्रॉस करता है, सबको पता होगा, रिकॉल के लिए मैं बता दे रहा हूं, क्लियर, ओके। लिखो, आप लिखो, दो ट्रेन लेते हैं, ठीक है, या एक ट्रेन बताओ, दो ट्रेन में लेते हैं, एक ट्रेन का क्वेश्चन काफी इजी होता है, लिखो, टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन
14 सेकेंड फटाफट क्रॉस कर रहे फुल स्पीड में व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं अपोजिट डायरेक्शन में 14 सेकेंड ले रहे हैं और अगर वही वही दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा थोड़ा टाइम सेम डायरेक्शन में जाने से तो टाइम ज्यादा लगेगा कुछ मिनट ले लेते हैं 3 मिनट 2 सेकंड लगता है. ठीक है 3 मिनट्स 2 सेकंड्स में क्रॉस करते हैं. ठीक है फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन व्हाट परसेंट मोर देन द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन. बताओ स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन व्हाट परसेंट मोर देन द स्लोअर ट्रेन. बताओ फटाफट. फटाफट बताना है भाई. सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट. अच्छा अगेन गीता सबसे तेज श्रियास भी 16.66 और कोई फटाफट. फिफ्टी बाय थ्री 16.6 ठीक है ठीक है ठीक है ओके. कैसे जल्दी करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. यहां पे जब देखो दोनों जब दोनों को क्रॉस करेंगे चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो लेंथ कितना होगा ट्रेन वन का लेंथ प्लस ट्रेन टू का लेंथ ये तो अपना फिक्स है. तो इसी के आधार पे अगर करेंगे बाय टेकिंग दिस एज द बेस मान लीजिए कि जब वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड क्या होगा एफ प्लस एस फास्टर प्लस स्क्वायर ऑपोजिट में जाने से स्पीड ऐड हो जाता है. यहां पे कितना 14 सेकेंड था ये इक्वल्स टू एफ माइनस एस इंटू 3 मिनट यानी 180 प्लस 2 182 एफ इज टू एस निकाल दो आप आराम से कोई हेडेक नहीं. थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं क्या 14 में कट हो रहा है क्या. यस 14 में कट हो रहा है 14 वन जा 14 14 थ्री जा ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा 13 एफ और यहां से एफ चला जाए 13 एफ एफ चला जाएगा तो 12 एफ और ये 14 खाली एस ये 13 एस प्लस 14 एस ठीक है 12 एफ इक्वल्स टू यानी 7:6 फास्टर इज टू स्लोअर. हाँ 7:6 यानी कितना 1/6 वन आउट ऑफ 6 तो 1/6 यानी 16.66 सही है जो भी बताया था 16.66 उन सभी का आंसर सही है. ठीक है ओके नेक्स्ट लिखो. यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं और एक एरिया पे जाते हैं. दिक्कत कहां होता है बहुत सारे बच्चों का वो है बोट एंड स्ट्रीम में. बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज अगर आप ध्यान दोगे आपको कभी टेंशन नहीं होगा. वो क्या दो चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं. ठीक है बोट और स्ट्रीम क्या है टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है. ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है. बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है कि यहां पे हर कैलकुलेशन से पहले आपको ये डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड ये दोनों के बारे में सोचना पड़ता है. ठीक है थोड़ा सा कंसेप्ट में आता हूं फिर चलेंगे. एक क्या होता है आपका बोट स्पीड
अब बोर्ड स्पीड में यहां पे एक्स ले लेता हूं, दूसरा होता है करंट स्पीड, इसको मैं वाई ले लेता हूं, ठीक है। एक बोर्ड स्पीड एक्स, दूसरा करंट स्पीड वाई। तो यहां पे जब भी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा क्या होगा, डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई हो जाएगा और अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वहां पे एवरेज आप निकालते थे, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, इसी तरह यहां पे भी आप निकाल सकते हो। मान लो कि ये आपका वेरिएबल ए है, ये बी है, तो फिर वही एवरेज स्पीड क्या होगा आपका, 2ab बाय ए प्लस बी, ठीक है, ये इंटू है ये प्लस है, 2ab बाय ए प्लस बी, हूबहू सेम टेक्निक से आंसर आएगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड के बारे में आपको ध्यान देना है। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं फिर देखेंगे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, नहीं तो और थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। लिखो भाई, पहला सवाल लिखो, किसको भेजेंगे पानी में, किसी एक कैरेक्टर को भेजते हैं पानी में, एक्सपर्ट कौन है। चलो भाई ये श्रियास को भेजते हैं, ठीक है। लिखो, श्रियास कैन रो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। लिखता हूं, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 आवर्स, ठीक है, 9 घंटे में जा रहा है। ही कैन ऑल्सो रो 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। 70 अपस्ट्रीम, 90 डाउनस्ट्रीम, 12 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, सिंपल, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट कितना होगा बताओ फटाफट। अच्छा, करंट स्पीड 4, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड अविनाश, नेक्स्ट टाइम अविनाश को भेजेंगे बोट में। 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये आपका वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से बहुत ही फटाफट आ जाएगा आंसर, कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे होता है उस एंगल से लेंगे तो बहुत ही फटाफट फटाफट बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहां पे किसी एक चीज को बैलेंस करके निकाल देना है, धक्के मार, किसी को भी आप कर सकते हो, आइदर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस या फिर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, जो आपको अच्छा लगे, जरूरी ऐसा नहीं किसी को या उसी को करें। मैं यहाँ पे 50-70 का 350 मान के चलता हूं, ठीक है, 50 यानी 7 मल्टीप्लाई कर दू तो 350 ऑफ
प्लस 7 इनटू कितना 7 2 जा 14 7 7 जा 504 किलोमीटर डाउन, ये 7 मल्टीप्लाई करने से 63 आवर, ठीक है। और यहां पे मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं 350 ऑफ 450 डाउन 60 घंटे, ठीक है। अब 350 निकाल देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या? अब माइनस कर दूं अगर इसको तो फिर भाई अपना क्या बचेगा, ये तो पूरा गया काम से। 504 से 450 जाएगा तो 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 3 घंटे में, या फिर 1 घंटे में 18 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, डाउन, डाउन यानी x प्लस y। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो 72 किलोमीटर आने के लिए 4 घंटा लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। यहां पे लग गया आपका 4 घंटा, तो यहां पे लगेगा 5 घंटा, 5 घंटा में 50, टोटल 9 घंटा है भैया यहां पे, तो 5 घंटे में 50 यानी x माइनस y कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो y यानी करंट, तो पहले से बोला था x यानी बोर्ड और y यानी करंट, तो करंट क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 सही था, 4 किलोमीटर पर आवर सही है, आंसर सही है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, अभी या फिर बाद में कमेंट में कहीं पे भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा आंसर दूंगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिखो, मैं कोई किताब से ढूंढता हूं, आप एक क्वेश्चन लिखो, एक इजी क्वेश्चन दूं आपको, सिर्फ 10 सेकंड दूंगा आंसर देने के लिए, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, फटाफट देना है, लिखो। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए पॉज 54 किलोमीटर पर आवर, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए पॉज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, including stoppage it is 45 kilometer per hour, for how many minutes does the bus stop per hour, for how many minutes does the bus stop per hour, batao fatafat। Sabse kon batayega aage, नाइन, अरे बाकी कोई बताओ भाई फटाफट, अच्छा सौम्या देन सिद्धांत देन श्रियाश और अरे भाई इंक्लूडिंग 54 सॉरी ये एक्सक्लूडिंग 54 इंक्लूडिंग 45, कहानी इतना ही है और कुछ है ही नहीं। मुझे तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है, 45 क्यों गया, 54 जाना चाहिए था, रास्ते में रुक के चाय पैर पी के गया है इसीलिए 9 किलोमीटर कम गया कि नहीं। तो भाई 9 किलोमीटर जाने के लिए क्या समय लगेगा, उसको निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। लिखूं क्या, ओके देखो, जाना था अगर बिल्कुल स्टॉप, मैंने ब्रेक नहीं लगाएगा चाय स्नैक्स के लिए तो जाएगा 54 और ये गया भड़ाक से, बट बीच में रुक रुक के गया तो ये थोड़ा आगे रुक जाएगा 45 जाएगा,
यानी ये जो 9 किलोमीटर नहीं जा पाया स्टॉपेज के वजह से, अच्छा 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 मिनट में 54 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर जाने के लिए इसका छटा है 6 × 9, तो इसका 1/6 यानी 10 मिनट रास्ते में वो बर्बाद किया है। ये 9 पार्ट है, तो देखो 54 / 6 60 मिनट में, तो 9 कैसे हो गया भाई? देखो फोर्टी फाइव जा रहा है, यहां पे 9 किलोमीटर कम जा रहा है, तो 9 किलोमीटर जाने के लिए जितना समय लगेगा उतना वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हर 60 मिनट में वो 50 मिनट भाग रहा है, 54 के रफ्तार में 10 मिनट होना चाहिए। आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए, इजी था, किसी को डाउट है तो पूछो, मैं बताता हूं। हाँ, डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। मैं पूछा क्या था, मैं आप लोगों का सवाल ये पूछा था कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर्स तो नहीं पूछा था आपको मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लिखो। ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम मीरठ एट 4 PM एंड रिचेस गाजियाबाद एट 5 PM। मैं भी थोड़ा लिख देता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक ट्रेन एक्स है, ठीक है, वो कहां से निकल रहा है, मीरठ से जा रहा है गाजियाबाद। ये है भाई मीरठ, 4 बजे निकला शाम को, सुबह क्या निकलेगा 4 बजे, ये आपका गाजियाबाद निकला 5 बजे, ठीक है। ये कौन है, ट्रेन एक्स, ठीक है, आ गया समझ में सबको। ट्रेन वाई स्टार्ट फ्रॉम गाजियाबाद एट 4 एंड रिचेस मीरठ एट 5:30। दूसरा ट्रेन है वाई, निकल रहा है गाजियाबाद से 4 बजे, पहुंच रहा है मीरठ 5:30 को। दूसरा ट्रेन है वाई गाजियाबाद से, ये ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, 4 बजे निकला, यहां पहुंचा 5:30 PM, ठीक है। ये कहा, गाजियाबाद से निकल के मीरठ पहुंचा, ठीक है। अब सवाल, द टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर एट, किस समय दोनों ट्रेन ईच अदर को क्रॉस करेंगे, दे क्रॉस ईच अदर एट, हाँ भाई बताओ किस समय दोनों ईच अदर को क्रॉस करेंगे, फटाफट बताना है, जल्द से जल्द, वेरी गुड। और कोई, बाकी सब कहां हो भाई, थोड़ा स्पीड स्पीड बताओ। फोर थर्टी सिक्स, सबका आंसर सही है,
अब सवाल यह है कि इसे फटाफट कैसे किया जाए, ठीक है, सवाल यह कि फटाफट इसे कैसे किया जाए। मैं बताता हूं, इसको आप डायमंड वर्क में कर सकते हो। ये क्वेश्चन है डायमंड डिस्टेंस का, बट टेक्निक क्या लगेगा, डायमंड वर्क का। जब मैं आप लोगों को डायमंड वर्क समझाया था, जिनको भी डाउट है वो डायमंड वर्क का ऑफलाइन वीडियो है एडु क्लब फॉर यू में देख सकता है, ठीक है, डायमंड वर्क में कैसे काम होता है। यहां पे मैं आता हूं, जब भी दो लोग काम करते हैं, मान लो कि एक कितना लेंगे, 8 घंटा लेता है, दूसरा 10 घंटा लेता है, मान लो आप, तो दोनों मिलके करते हैं तो क्या समय लेता है, ए बी बाय प्लस बी, 8 × 10 / 8 + 10, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे भी डायमंड वर्क का फंडा डायमंड डिस्टेंस में लगाएंगे। मान लो कि ट्रेन का जर्नी जो है एक काम है, इस काम को पहला ट्रेन कितना समय में कर रहा है, ये काम को 60 मिनट में कर रहा है, और दूसरा ट्रेन उसी काम को 90 मिनट में कर रहा है, 4 से 5:30, 90 मिनट में। अब फिर से अगर मैं काम पे आ जाऊं कि दोनों मिलकर ये काम, क्योंकि दोनों जब खुद को क्रॉस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा, सम डिस्टेंस बाय द फर्स्ट ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द सेकेंड, तो टोटल काम आपका हो गया। तो जब काम खत्म होगा तो कितना समय लगेगा, ए बी बाय प्लस बी, सीधा आपको करना था 60 × 90 / 150, 32 × 35 × 5 = 18 × 18 = 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट, 4 बजने के बाद 36 मिनट, यानी 4:36, और ये आप कर सकते थे 3 सेकेंड्स में फटाफट। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अगर यहां पे मान लो कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, क्या आंसर होगा। ये दूसरा ट्रेन जो है, मान लो कि ये निकला है आपका 4:30 में, और यहां पे वो पहुंचता है 6 बजे। अब क्या टाइम होगा आप बताओ मुझे, इसी सवाल को फिर से दे रहा हूं, 4:30 में अगर वो निकले और 6 बजे आके पहुंचे तो क्या होगा आंसर, व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, कौन बताएगा मुझे फटाफट। इंस्टेड ऑफ 4, द सेकेंड ट्रेन स्टार्ट द जर्नी एट 4:30 एंड रीचेस द डेस्टिनेशन मिरर एट 6, क्या होगा आंसर फटाफट। अच्छा, और कोई, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या भाई बाकी लोगों का भी 4:42 हो गया क्या, सिद्धांत का भी, अविनाश का भी 4:48, अच्छा और कोई, पीयूष तुम्हारा भी, दिशा का भी, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूं अभी क्या कितना टाइम लगेगा, रुको, 4:48 नहीं 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 भाई, इतना हड़बड़ी करने से गड़बड़ी हो जाता है। मैं बताता हूं आपको, टेक्निक बताता हूं मैं फटाफट कैसे बनेगा। देखो अब मैं आता हूं अपने टेक्निक पे, जैसे आप लोग किए थे हूबहू ऐसे ही करना है, सिर्फ मुझे 30 सेकंड ध्यान से सुन लो, उसके बाद आप ट्राई करो, से मुझे बताओ, ठीक है, 30 सेकंड आप सुन लो। 4 बजे पहला ट्रेन निकला, 5 बजे वो पहुंच सकता है, दूसरा ट्रेन निकल रहा है 4:30 में, यानी आधा घंटे के बाद। जब दूसरा ट्रेन स्टार्ट करेगा, पहला ट्रेन ऑलरेडी आधा डिस्टेंस आ चुका होगा, किसी को डाउट। अब आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद
पहला और दूसरा जा रहे हैं, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अगर दोनों जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें लगता है 36 मिनट, आधा डिस्टेंस तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब कितना लगेगा 18 मिनट। कब 18 मिनट के बाद? 4:30 के बाद। हो गया, नहीं आया समझ में? लिख के बताऊं, थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी है। देखो, पहला ट्रेन गया 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 गया, हाफ डिस्टेंस चला गया, अब यहां से ये निकलेगा, यहां से दूसरा ट्रेन निकलेगा, ठीक है। अब पूरा डिस्टेंस को लग रहा है 36 मिनट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आधा डिस्टेंस क्या लगेगा 18 मिनट, ठीक है। तो 4:30 के बाद 18 मिनट यानी 4:48 PM खत्म। अगर यहां पे मैं ऐसे ही दे दिया था मन में कि आधा घंटे के बाद, मान लो कि देता 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या जितना भी वो देता, उस हिसाब से जो रिमेनिंग है उसके साथ आप 36 मिनट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, सेम टेक्निक सेम प्रोसेस में, कोई हेडेक नहीं है आपको, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ठीक है। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं मैं क्लास ही लेता हूँ पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी एनटीएससी में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा उसे आप टेक्निकली हैंडल कर सकते हो। मैं बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स बताऊंगा जिसको डाल के आप फटाफट कर सकते हो, आज एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरा एक सेशंस रखते हैं जहाँ पे नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट सबके मिनिमम 4-4 या 5-5 क्वेश्चन करेंगे। अगर समय बचता है तो कुछ आइडिया दूंगा। इस समय मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये आपके लिए नहीं है। अब किसके लिए है और किस तरीके से है ये सारा चीज़ एक ऑफलाइन वीडियो में बना के आप लोगों को बताऊंगा, लिंक भी उसका दूंगा, आप लोग उसे देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, आप उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज है, आपके लिए नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, टेक्निकली कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।